तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस है क्या, व्हाट इज प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब, ये क्या है प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज कंसर्न अबाउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोसेस है क्या, प्रोसेस इज सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उनका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, ओके, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी फॉर ए डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, सर्विस और प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। ओके, तो ये जो प्रोसेस है विच कन्वर्ट्स इनपुट्स टू आउटपुट, ये वो सीक्वेंस, प्रोसेस एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है। ओके, वाई यूजिंग जो भी मशीनें हैं, यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, मैन, मशीन, मैटीरियल, मनी, ओके, मेथड्स, इन सब को यूज करके, 5M को यूज करके इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट जो करते करने की एक्टिविटी का जो सीक्वेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोसेस होगा वो प्लान्ड प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस की प्लानिंग इज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। प्रोसेस की प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ प्रोसेस, नाउ कमिंग टू द प्रोसेस प्लान। प्रोसेस प्लानिंग, तो प्रोसेस प्लानिंग के लिए क्या है, फैसिलिटी डिजाइन एंड लेआउट,
प्रोसेस प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? तो सबसे पहले हम जो प्रोसेस प्लानिंग करेंगे, तो इसके अंदर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट की डिजाइन तैयार करेंगे, फैसिलिटी डिजाइन एंड लेआउट, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की डिजाइन हो गया, फैसिलिटी डिजाइन हो गया। जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की डिजाइन होगी, उसके बाद में हम लोग एस्टीमेट करेंगे और फोरकास्ट करेंगे किसकी, सेल्स एंड प्रोडक्शन, देन फोरकास्ट, फोरकास्ट किसकी, सेल्स की एंड प्रोडक्शन, फोरकास्ट सेल्स एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। नेक्स्ट डिजाइन सर्विस ऑफ द प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की डिजाइन, फोरकास्ट, सेल्स, प्रोडक्शन, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, फिर डिजाइन सर्विस ऑफ द प्रोडक्ट, उसके बाद में रिसोर्स एलोकेशन, नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन, जॉब डिजाइन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपेसिटी ऑफ फैसिलिटी। नेक्स्ट इज हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। प्रोसेस प्लानिंग में क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की डिजाइन है, फोरकास्ट है सेल्स की, प्रोडक्शन की, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, डिजाइन सर्विस ऑफ द प्रोडक्ट, रिसोर्स एलोकेशन, जॉब डिजाइन, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपेसिटी ऑफ फैसिलिटी एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ये सब प्रोसेस प्लानिंग के पार्ट है, ठीक है ना। तो प्रोसेस प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की डिजाइन करेंगे, मान लो हमें ब्रास के डेकोरेटिव आइटम्स बनाने हैं और हम चाहते हैं कि शुरू से ही बनाते हैं कॉपर और जिंक से, पहले फर्नेस से ब्रास बनाएं, फिर उसको ब्रास को हॉट रोलिंग करें, फिर हॉट रोलिंग के बाद में उसको अनिलिंग करें, कोल्ड रोलिंग करें, कोल्ड रोलिंग के बाद फिनिशिंग करें, फिनिशिंग करने के बाद में फिर उसकी कटिंग, शेपिंग, शेपिंग के बाद में फिर उसमें पॉलिशिंग, एंड ऑल दीज प्रोसेस इन्वॉल्व प्रोसेस। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की डिजाइन करना होगा, कितना बड़ा प्लांट लगाना है, कितनी कैपेसिटी का बनाना है, कौन सी टेक्निक लगानी है, ओके, इलेक्ट्रिक फर्नेस लगानी है, ऑयल फर्नेस लगानी है, साथ ही साथ हम जो जो फैसिलिटी चाहिए फैसिलिटी डिजाइन करेंगे, ट्रांसपोर्ट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जनरेटर चाहिए, सेल्फ पावर प्लांट चाहिए, ये सारी फैसिलिटी डिजाइन करेंगे। उसके बाद वी विल फोरकास्ट सेल्स एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज फोरकास्ट सेल्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस प्लानिंग में, देन कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी,
प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके बाद उस प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसे होगी, सर्विसिंग कैसे होगी, इन सब कामों के लिए हमें रिसोर्स एलोकेट करने पड़ेंगे, फिर वर्कर्स एलोकेट करने होंगे, उनको जॉब डिजाइन दिया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर हम देखेंगे क्या कैपेसिटी, फैसिलिटी की क्या कैपेसिटी है और क्या क्या हमको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। तो ये सारा प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रोसेस डिजाइन होगी। अब हम प्रोसेस प्लानिंग का में कि एलिमेंट्स क्या, प्रोसेस प्लानिंग के एलिमेंट्स, तो अब हम समझेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। Elements of next is elements of process planning. तो एलिमेंट्स क्या क्या प्रोसेस प्लानिंग के, दो, एक तो है ऑपरेशनल शेड्यूल, ऑपरेशनल शेड्यूलिंग, नेक्स्ट इज ऑपरेशंस कंट्रोल, नेक्स्ट ऑपरेशन शेड्यूलिंग एंड ऑपरेशन कंट्रोल। तो ऑपरेशन शेड्यूलिंग में हमें क्या करना है, शेड्यूल क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, what to produce, when to produce, when to produce, third is resources, resources to produce, yeah, which resources to be used, what to produce, when to produce, resources to produce, which resources to use. Operational control में when to produce, where to produce, by whom to produce, when to produce, where to produce and by whom to produce, ये सारी चीजें हमारे प्रोसेस प्लानिंग में
हमको देखना है। ओके, तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस प्लानिंग क्या है? ऑपरेशनल शेड्यूलिंग एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल शेड्यूलिंग में हम देखेंगे व्हेन टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड क्या रिसोर्सेज टू बी एलोकेटेड और रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस, विच रिसोर्सेज टू बी यूज्ड, यानी कौन सी मशीन, कौन सा मटेरियल, कौन से आदमी हमें किस प्रोडक्शन के लिए यूज करने हैं, कब करना है, क्या और क्या प्रोड्यूस करना है, ये हमारा ऑपरेशनल शेड्यूलिंग का पार्ट है। ऑपरेशनल कंट्रोल में है कब करना है, कहाँ करना है और कौन करेगा, व्हेन टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, बाय हूम टू प्रोड्यूस, किसको कौन सा रोल असाइन करना है, ये हमारा होगा सारा सारे हमारे प्रोसेस प्लानिंग और उसके एलिमेंट्स। अब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं, तो प्रोडक्शन प्रोसेस को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस को एक होती है कन्वर्जन प्रोसेस, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एक होती है कन्वर्जन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेस्टिंग प्रोसेस। भाई कन्वर्जन प्रोसेस क्या है? जैसे हमने बताया ब्रास शीट की फैक्ट्री है, तो हम कॉपर को और जिंक को फर्नेस में डाल के उसको ब्रास में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्टिंग कॉपर प्लस जिंक इनटू ब्रास, यानी इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब नाउ प्रोसेस के अंदर हम शेपिंग करते हैं, मान लो बल्ब की कैप बना रहे हैं, उसके बाद इसको कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद कटिंग के अंदर कट कर रहे हैं, फिर सील कर रहे हैं, फाइनल जो प्रोडक्ट है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो हमने ब्रास कॉपर और जिंक को मेल्ट करके बनाया और मेल्ट करने के बाद में जो ब्रास शीट आया उसको डिफरेंट डिफरेंट साइज को कटिंग किया, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और उसके बाद में उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना, दैट इज टेस्टिंग प्रोसेस। ये आप और एक तरह से समझिए, मान लो हमारी शर्ट बनाने का स्पिनिंग एंड यार्न मिले, क्लॉथ मिले, तो हम जो कॉटन को कन्वर्ट करके यार्न बनाते हैं, यार्न से क्लॉथ बनाते हैं, ये हो गया कन्वर्जन प्रोसेस। और उस क्लॉथ से जो हम शर्ट बना रहे हैं दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और उसके बाद में उसको हम टेस्टिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, ये इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये सारा फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग क्वालिटी, जो टेस्टिंग हो रही है ये टेस्टिंग प्रोसेस हो गया। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर तीन पार्ट्स में हम प्रोडक्शन प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हैं, डेट इज कन्वर्जन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड नेक्स्ट इज टेस्टिंग प्रोसेस।